ऑर्गेनाइज किया जा रहा है VVM के थ्रू, यानी कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन के थ्रू। ये एक ऐसा कंपटीशन है जिस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्लास 6 टू लेकर 11 तक के स्टूडेंट्स के लिए। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ये VM ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में मैं पहले आपको डिटेल से बता देती हूँ। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT के थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि MHRD जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है, उसके अंडर काम करती है। ये एक गवर्नमेंट नेशनल कॉम्पिटिशन है। तो इस कॉम्पिटिशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, इसके एग्जाम डिटेल्स क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके पैटर्न एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आप उसके लिए वैलिड नहीं हो पाएंगे, एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। तो इसमें कैसे एनरोल करना है, सब कुछ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी आप ब्राउजर पर जाएंगे, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, वहां पर टाइप करेंगे https://vvm.org.in। देखिए आप HTTPS जरूर लगाएंगे क्योंकि एक सिक्योर वेबसाइट की ये पहचान होती है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे देखिए यहाँ आ रहा है कनेक्शन सिक्योर, यानी कि एक वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट है। आप जब भी किसी वेबसाइट पर आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक ना करें, हमेशा किसी भी ब्राउजर में जाके उसे टाइप करें, ये सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत जरूरी है। तो अब इसमें कैसे एग्जामिनेशन, हम डिटेल्स देखेंगे कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या सिलेबस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर है इसके, क्या स्टूडेंट्स अवार्ड्स हैं, कितने लेवल्स में इसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि नेशनल लेवल एग्जाम है तो ऑब्वियस है इसको लेवल्स में डिवाइड किया गया होगा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आप डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको कितने लेवल्स में इसको डिवाइड किया गया है और उसके अवार्ड्स क्या क्या है। देखिए सबसे पहले लेवल 1 होगा जो स्कूल लेवल होगा, इसमें मेरिट सर्टिफिकेट हर के पार्टिसिपेंट को मिलेगा। इसमें टॉप 3 रैंकर्स जो हैं वो हर क्लास में से टॉप 3 रैंकर्स निकाले जाएंगे। और इसकी एक शर्त है कि एक स्कूल में एक क्लास में अगर अलग अलग सेक्शन, मान लो 4 सेक्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करने चाहिए हर स्कूल से हर क्लास से मिनिमम 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो इसमें स्कूल लेवल पर एग्जाम होगा, फिर दूसरा लेवल जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, वो थर्ड जो लेवल होगा वो स्टेट स्टेट लेवल पर होगा, एंड फोर्थ लेवल होगा वो नेशनल लेवल होगा। अब फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल के बाद आपको फर्स्ट और सेकंड लेवल में आपको मेरिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, एंड लेवल थर्ड जो कि स्टेट लेवल होगा, जो टॉप 20 रैंकर्स हैं हर क्लास में से, वो स्टेट में जो क्वालिफाई करेगा उसको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, एक स्टेट कैंप मेमेंटो मिलेगा, एंड कैश प्राइज मिलेगा ₹5,000 फर्स्ट, सेकंड 3,000, एंड थर्ड आपको ₹2,000 मिलेगा। फिर आती है बारी फोर्थ लेवल नेशनल लेवल की, इसमें हर स्टेट लेवल के जो टॉप 2 क्वालिफाई करेंगे वो नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई होंगे, और उनको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मेमेंटो, एक नेशनल कैंप विनर सर्टिफिकेट मिलेगा, एक कैश प्राइज जो फर्स्ट होगा उसको ₹25,000, सेकंड को ₹15,000, एंड थर्ड को ₹10,000 कैश प्राइज मिलेगा। इस तरह से इसमें 4 लेवल्स को इसमें डिवाइड किया गया है, और आगे आपको पूरा प्रोसीजर आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें क्या क्या कैसे लेवल पर होगा, इसको ध्यान से आप रीड करेंगे। इसके बाद में बारी आती है इसमें जो इस एग्जाम क्या होगा, किस तरह का पैटर्न होगा, इसके लिए स्कूल लेवल एग्जाम पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए यहाँ सब कुछ लिखा होगा, इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा सबके लिए एक जैसा होगा, इसमें क्लास 6 टू लेकर 11 के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1 जो होगा जूनियर ग्रुप होगा, जो सेकेंड ग्रुप होगा वो सीनियर ग्रुप होगा, जूनियर ग्रुप होगा क्लास 6 से लेकर 8 तक होगा, एंड जो सेकेंड ग्रुप होगा वो 9 से लेकर 11 तक का ग्रुप होगा। इसमें जो सबके लिए जो लेवल वाइज 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और इनकी जो इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, और हर एक जो क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चन है वो कैरी करेगा 1 मार्क ईच, 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है।
इसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। अब इसको आप अच्छे से देखेंगे कि सिलेबस में क्या, और सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस भी दिया गया है। इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट्स होगी। इसमें देखिए अच्छे से दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है कि अगर सेक्शन वन में जब आपके 50% आएंगे तब आपको सेक्शन बी वो चेक करेंगे, यानी कि सेक्शन ए में आपके 50% आना जरूरी है, तभी आपका सेक्शन बी चेक होगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस तरह से आप पूरे इसको अच्छे से इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। इसके बाद अब बारी आते हैं सिलेबस, इसका सिलेबस क्या है कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए ये पूरा इसमें सिलेबस लिखा गया है, एक डिटेल्ड सिलेबस है। इसके कंटेंट दिया गया है कि क्या क्या कंटेंट आएंगे, और कंट्रीब्यूशन कितने कितने कंटेंट का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा, और इसके बाद करिकुलम क्या क्या होगा, किस किस बुक से लिया जाएगा, किसके। देखिए वीवीएम की अपनी स्टडी मटेरियल भी है, यहाँ जाकर आप स्टडी मटेरियल पर क्लिक करके और इसमें आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा सिलेबस भी आपको प्रोवाइड किया गया है। अब एग्जामिनेशन डिटेल्स आपकी हो गई, सिलेबस हो गया। अब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक सारा आपको रजिस्ट्रेशन, आप इंडिविजुअली भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप स्कूल की साइट से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक किया टू रजिस्टर पर करके और रजिस्टर कर सकते हैं। पहले हम फी क्राइटेरिया जान सकते हैं कि इसका फी क्राइटेरिया क्या है। तो फी क्राइटेरिया या फी स्ट्रक्चर जानने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, देखिए आपकी जो फी क्राइटेरिया वो 100 रुपीज है, और ये इसकी लास्ट डेट है जो सबमिशन की वो 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर है, विदाउट लेट फीस। अगर आप लेट कराते हैं तो 15 अक्टूबर तक 120 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। सारा अकाउंट नंबर और पेमेंट डिटेल्स आपकी नीचे दी गई है। नो कैश एंड डीडी चेक विल बी नॉट एक्सेप्टेबल, सो आप सिर्फ ऑनलाइन आरटीजीएस और नेफ्ट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है इस चीज को आप हमसे देखिए। और जो एग्जाम सेंटर्स होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, देखिए एग्जाम जो फर्स्ट एग्जाम होगा नेशनल लेवल 1 होगा वो देयर होम, यानी कि हर बच्चा अपने घर से दे सकता है। इसमें टाइमिंग वगैरह आपको सब दी गई है, टाइमिंग कहाँ दी गई है, डेट की, ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन 1 अगस्त, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 30 सितंबर। एंड सारा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीवीएम अपने आप प्रोवाइड कराएगा 28 अगस्त से। एंड मॉक टेस्ट होंगे फिर 1 नवंबर से। एंड आप हॉल टिकट जो होंगे वो डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा। और इसके बाद इसमें टाइमिंग दी है, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन है 29 नवंबर एंड 29 नवंबर एंड 30 नवंबर, दोनों दिन आप एक चॉइस कर सकते हैं, कोई भी डेट चॉइस आप चूज कर सकते हैं। और एग्जाम की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, और वो 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, और आप घर बैठकर इसको आप दे सकते हैं इसमें। तो अब इसकी डिक्लेरेशन रिजल्ट कब आएगा, 15 सितंबर को आएगा। एंड फिर आपके अनदर प्रोसेस है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या आगे प्रोसेस होंगे। इस तरह से अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, देखिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ टू टाइप्स के आपके सामने प्रेजेंट होंगे, रजिस्टर एज ए स्कूल और रजिस्टर एज इंडिविजुअल स्टूडेंट। तो आप रजिस्टर एज ए इंडिविजुअल स्टूडेंट पर अगर क्लिक करते हैं, रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पूरा फॉर्म प्रेजेंट होता है। आप उसमें अपना सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे, डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। फिर जिस दिन आपको एग्जाम देना है आप लॉगिन करके आप एग्जाम दे सकते हैं। और तो और आपके सामने एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं और उसके थ्रू एग्जाम भी दे सकते हैं।
और उसमें जो मटेरियल को भी रीड कर सकते हैं। देखिए सारा आपको स्टूडेंट डिटेल्स भरनी होंगी, फिर लॉगिन डिटेल्स भरनी होंगी, फिर रीजन, फिर स्कूल डिटेल्स भरनी होगी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फिर ओटीपी आएगा आपकी मोबाइल पर एंड आपकी ईमेल पर, एंड आप टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पढ़ सकते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप करके, नेक्स्ट स्टेप कर पूरा रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके, और इसी में जब आपके पास सारा ये फॉर्म फिल हो जाएगा आपका, तो इसमें आपको पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट आएगा, आप पेमेंट करेंगे 100 रुपीज, और उसके बाद आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आएगा, आप उसको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और पासवर्ड को चेंज करना मैंडेटरी है, आप जरूर उसे चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। और इसकी एक लिंक आप प्रोवाइड किया जाएगा, जो ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके और इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस नेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके, और द स्टूडेंट जो साइंस में जो इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत जिनका इंटरेस्ट है, वो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया एक कंपटीशन है। और इसमें सर्टिफिकेट भी मिलना है, इसकी एक अलग वैल्यू होती है। एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलना, उसकी वैल्यू बहुत होती है, तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।